हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्यदेव। गाइस, आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिटी 3D गेम डेवलपमेंट पर। कोशिश करूंगा बिल्कुल स्क्रैच से चलूं और एडवांस तक जाऊं। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या समझेंगे वो जान लेते हैं। सो आज के टॉपिक से हमारे हाउ टू ओपन प्रोजेक्ट्स इन यूनिटी, मीन्स हमारी यूनिटी में दो टाइप्स के प्रोजेक्ट्स ओपन होते हैं, 3D प्रोजेक्ट्स और 2D प्रोजेक्ट्स, कि हमें 2D गेम बनाना है या 3D, वो समझेंगे। सेकंड हम समझेंगे सीन के बारे में कि सीन क्या होता है। फिर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ गेम ऑब्जेक्ट्स इन यूनिटी, मींस कि यूनिटी ने हमें कितने गेम ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दे रखे हैं यूज करने के लिए। फिर हम समझेंगे हायरार्की पैनल क्या होता है, देन इंस्पेक्टर, देन टूल्स जैसे कि हैंड टूल होता है, स्केल टूल, रोटेशन टूल होता है, उन्हें समझेंगे, और फिर हम समझेंगे कंसोल विंडो, एंड एट लास्ट हम लेआउट्स के बारे में समझेंगे कि यूनिटी में हमको कितने लेआउट्स गिवन होते हैं और हम बना कितने सकते हैं। सो सबसे पहले हम यूनिटी को ओपन करते हैं, वर्क ऑफलाइन। सो गाइस, हमारे पास ये कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, हमें न्यू पर क्लिक करना है। जैसे हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट का नेम आएगा, तो मैंने लिखा इंट्रो टू यूनिटी, और फिर ये लोकेशन होगी जहां पर हमारा ये प्रोजेक्ट सेव होगा। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि हमें 2D में गेम बनाना है 3D में। अभी मैं 3D में गेम बनाता हूँ और ये भी कुछ ऑप्शंस हैं। ओके, मैंने 3D पे क्लिक किया, हमने क्रिएट प्रोजेक्ट किया क्लिक, थोड़ा सा टाइम लेगा यूनिटी ओपन होने में। सो जब हमारा यूनिटी ओपन होता है तो कुछ ऐसा स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें समझना होता था सीन व्यू, कि सीन क्या होता है। गाइस, जब भी हम कोई गेम खेलते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारी लेवल्स होती हैं, कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो ये लेवल्स होती हैं वो ही सीन होता है। जैसे कि ये मैंने सीन पर क्लिक किया, और ये गेम पर, जब मैंने सीन पर क्लिक किया तो ये मेरे पास ये कुछ आ गया, कुछ ऐसा व्यू। ये एक स्काई बॉक्स है जहां पर हमारा स्काई जैसा है और ये हमारा ऐसा ग्राउंड वर्क करता है। और अगर मुझे इस सीन को, मींस इस लेवल को सेव करना हो, तो मैं सिंपली फाइल पे जाऊंगा और सेव एस पे जाऊंगा। जो भी नेम मुझे देना है वो मैं इसको दे दूंगा और सेव पर क्लिक कर दूंगा। गाइस, यहाँ पर आएंगे कुछ शेडेड्स जो हम बाद में समझेंगे, ये है 2D और 3D। अब देखिए, इस पर जब मैंने 2D पे क्लिक किया तो कुछ ऐसा आ गया, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोबारा तो ये 3D में चला जाता है। अभी ये चीज 3D में चल रही है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सब चीज 2D में आ जाएगी। तो ये कुछ थोड़ी सी नॉलेज थी सीन के बारे में। अब हम समझते हैं गेम ऑब्जेक्ट्स के बारे में। गाइस, हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट्स 2D भी होते हैं और 3D गेम ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। गाइस, 2D गेम ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास है क्यू, स्फीयर्स, ये सब कुछ, टेरेन, ट्री वगैरह वगैरह। और 2D में जाते हैं तो हम सिंपली स्प्राइट्स को यूज करते हैं। अभी हम 3D में वर्क करते हैं, तो जैसे कि मैंने इस पर क्यू पे क्लिक किया, तो अब देखिए हमारे पास क्यू ऐसा जनरेट हो गया। सी, अगर हम स्फीयर कब पे करते हैं तो हमारे पास स्फीयर आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ गेम ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूनिटी ने ऑलरेडी हमें दे रखे हैं हमारे गेम को बनाने के लिए। अब हम समझते हैं अपने हायरार्की पैनल को। गाइस, ये हमारा हायरार्की पैनल है। इसमें क्या क्या है? इसमें वो चीज होती है जो हमारे सीन में प्रेजेंट है, जैसे कि मेन कैमरा प्रेजेंट है। देखो, कैमरा क्या चीज है? हमारे यूजर्स की आई। अगर हमारे में गेम में कैमरा ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं कैमरे को डिलीट कर दूं, सी गाइस, हमारे गेम में कुछ भी नहीं बचा। और जैसे ही मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया तो हमारा कैमरा आ गया। अब हम समझते हैं डायरेक्शनल लाइट। डायरेक्शनल लाइट क्या है? सॉरी, सीन व्यू में जाएं। डायरेक्शनल लाइट क्या है? ये एक तरीके का सन है जो हर तरफ रोशनी देगा। देखिएगा, ठीक है, ये एक तरीके के सन है जो हर तरफ हमें लाइट देगा। अगर हम इसे हटा देंगे तो हमारे में लाइटनिंग चली जाएगी। अगर मैं इसे डिलीट करता हूं, सी गाइस, हर चीज हमारी लाइट चली गई। मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया, लाइट आ गई। तो ये डायरेक्शनल लाइट है। इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट, वो हम बाद में समझेंगे। ये क्या है? क्यू, जो हमने क्यू अभी जनरेट किया था। और ये क्या है? हमारा स्फीयर। तो ये कुछ चीजें हैं हायरार्की पैनल में। लास्ट थिंग, हायरार्की पैनल में क्या क्या आता है? जो भी चीजें हमारी सीन व्यू में प्रेजेंट है। अब हम समझते हैं अपने इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर क्या है? ठीक है, इंस्पेक्टर हमारी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज बताता है जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे हायरार्की पैनल में प्रेजेंट है।
जैसे कि अगर मैं क्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज आ गई क्यू की। अगर मैं स्फीयर पे क्लिक करता हूँ तो कुछ और प्रॉपर्टीज, मेन कैमरा पे मैंने क्लिक किया तो कुछ और प्रॉपर्टीज आ गई। ऐसे क्या क्या किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि जब मैंने क्यू पे क्लिक किया तो उसकी पोजीशन ये है, अभी एक्स में, वाई में ये है, जेड में ये। अगर मैं पोजीशन चेंज करूँ तो सिंपली मैं पोजीशन चेंज भी कर सकता हूँ। अभी मैंने 0 0 पे ले आया क्यू को, ठीक है। रोटेशन क्या है कि कितने रोटेट हो चुका है हमारा क्यू, एक्स में कितना रोटेट है। अगर मुझे रोटेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, सी गाइस हमारा क्यू रोटेट हो रहा है। अभी देखिएगा अगर मैं इसे मूव करता हूं, अब हमारा क्यू रोटेट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं इसमें वाई पे स्क्रोल करूं, ये वाई को पकड़ के इस पे वाई पे क्लिक करना है और इसको स्क्रोल करना है, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट वाई में रोटेट हो रहा है। अगर मैं जेड पे स्क्रोल करूं तो हमारा ऑब्जेक्ट जेड में रोटेट होगा, सिमिलर टू स्फीयर, ठीक है, रोटेशन। अब बारी आती है स्केलिंग की। स्केलिंग एक्स में 1 है, वाई में भी 1 है अभी, और जेड में भी 1 है। अगर मैं जानता हूं कि मेरा ये क्यू एज अ क्यूबॉइड बन जाए तो मैं क्या करूंगा, इसकी एक्स को बढ़ा दिया मैंने, जितना चाहे हम उतना बढ़ा सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी हम चाहें वो बढ़ा सकते हैं, ओके। और ये कुछ प्रॉपर्टीज है मैश रेंडरर, ये हम थोड़ा अच्छी टॉपिक है बाद में समझेंगे अच्छे, बॉक्स कोलाइडर। तो अब हम समझते हैं अपने टूल्स के बारे में। गाइस ये कुछ टूल्स हैं जो हमारे गेम बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प देते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा हैंडी टूल, जो भी टूल के आगे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पे नाम भी आ जाएगा हैंडी टूल। हैंडी टूल क्या करता है, हमें ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में हेल्प करता है कि कहाँ क्या रखा है, ठीक है, हैंडी टूल ये करता है। ये क्या है, ये है हमारा मूव टूल। मूव टूल मैंने क्लिक किया, जैसे कि अगर मुझे एक्स और वाई में मूव करना है, जिसमें भी मूव करना है वो इसमें हेल्प देता है, ठीक है, तो ये मूव टूल है। ये है हमारा रोटेशन टूल, ये बताता है कि हमें किस, हमें जब भी हमें रोटेशन करना होता है किसी एक्सिस में तो हम इसकी हेल्प से रोटेट करते हैं, एक्स में, वाई में, जेड में। गाइस जो भी एक्सिस हम रोटेट करते हैं ना वो येल्लो में बदल जाती है। जैसे कि अभी मैंने ये वाली एक्सिस रोटेट की तो अब ये येल्लो हो जाएगी, नेक्स्ट है हमारा स्केलिंग वाला। अगर मुझे एक्स में बदलना हो, एक्स में स्केल करना हो तो मैं एक्स में स्केल कर सकता हूं, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में स्केल कर सकता हूं, अगर मुझे पता लगाना है कि कौन सी एक्सिस क्या है। सी गाइस अब हम मुझे पता लगाने की कौन सी एक्सिस क्या चीज है। मैंने जेड पे किया तो ये देखो ब्लू ब्लू है दोनों, तो ये जेड एक्सिस है, ये दोनों ग्रीन ग्रीन है ये वाई एक्सिस है, और ये वाला रेड वो है एक्स एक्सिस। जब भी मैं इन पर जाऊंगा, अपना माउस लेके जाऊंगा तो ये येल्लो में बदल जाएंगी। येल्लो क्या बताता है कि अब मुझे इसे मूव कर, मतलब इसे स्केलिंग करनी है या इसमें जो भी चेंजेस लाने हैं, ठीक है। मुझे जिसमें भी मैं चाहूँ इसे नेगेटिव में भी ला सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ, और पॉजिटिव में भी। अभी देखिए यहाँ नेगेटिव में स्केलिंग हो रही है और अब पॉजिटिव में, ओके। ये स्केलिंग के बारे में था। नेक्स्ट हम समझते हैं रेक्ट टूल को, कि रेक्ट टूल क्या होता है। गाइस ये यूज होता है हमारी, हमको चेंजेस लाने हो अगर एक्स या वाई एक्सिस में। सी मुझे सिंपली इसको ड्रैग करना है और जैसे भी मुझे इसको स्केल करना है मैं इसको स्केल कर सकता हूं, बट ओनली इन एक्स एंड वाई। नेक्स्ट हमारा आता है, ये अच्छा टूल है, नए यूनिटी में ही आया है, इसका नाम क्या है, मूव कर सकते हैं इससे हम, स्केल कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं, तीनों चीज एक साथ कर सकते हैं। अगर मुझे मूव करना हो तो मुझे ये वाला चीज लेनी होगी जो ये एरोज हैं, अगर मुझे स्केल करना हो तो मुझे इनको मूव करना होगा जो ये क्यूज हैं छोटे छोटे, और वहीं अगर मुझे रोटेट करना हो तो मुझे ये सर्कल्स पर जाना होगा, ओके। तो ये कुछ टूल्स के बारे में थे। अब रही बात इनके कीवर्ड्स क्या है। गाइस अगर मुझे हैंडी टूल पर जाना हो तो मुझे क्यू को प्रेस करना होगा, मैंने जब क्यू प्रेस किया तो मैं हैंडी टूल पर पहुंच गया। अगर मुझे इस मूव टूल पर क्लिक करना, मूव टूल पर जाना हो विदाउट क्लिकिंग ऑन दिस, मुझे डब्ल्यू प्रेस करना होगा। सी गाइस अगर मुझे रोटेशन वाले जाना होगा तो मैं ई प्रेस करूंगा, अब मैं रोटेट कर सकता हूं। वहीं मुझे स्केलिंग पर जाना हो तो आर, स्केल कर सकता हूं। एक चीज और स्केलिंग में बताना चाहूंगा मैं,
जैसे कि ये हमारा क्यू है, इसके लिए मैं क्या हम क्या करते हैं, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में चेंजेस लानी है तो मैं इससे पकड़ के खींच दूंगा, अगर जेड में तो इसे और एक्स में तो इसे। अगर लेट करो कि मुझे ऐसे स्केलिंग करनी है जो एक्स वाई और जेड में तीनों में इक्वली डायरेक्शन में हो, तो मैं क्या करूंगा, इस बीच वाली स्क्वायर ऑफ इसे क्यू को पकड़ के खींच दूंगा, तो ये सेम स्केलिंग होगी एक्स वाई जेड में। तो ये स्केलिंग क्या था, अगर मुझे इसमें रेक्ट टूल पे जाना है तो मुझे टी को प्रेस करना होगा, टी को, तो मैं रेक्ट टूल में चला जाऊंगा, और वहीं अगर मुझे तीनों वाली टूल में जाना है तो मुझे वाई प्रेस करना होगा, जिसमें तीनों हो, मूव टूल हो, रेक्ट टूल हो और स्केलिंग वाला। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट समझते हैं अपनी कंसोल विंडो को, जो कि प्रोजेक्ट के जस्ट साइड में होती है। ये कंसोल विंडो है क्या, कंसोल विंडो आप सब जानते हो कि जब आपने कोडिंग करते होगे वो एक ऐसी विंडो जहां पर हमारे सारे आउटपुट्स आते हैं जिस भी लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं उसके, यस और नो, तो बिल्कुल वैसे ही हम जिस भी लैंग्वेज में यहाँ कोडिंग करेंगे उसके आउटपुट्स हमें इस कंसोल विंडो में हमें मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट समझते हैं अपने लेआउट्स को। गाइस, जब हम लेआउट्स को समझते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिल गए लेआउट्स के। अभी कौन सा लेआउट है, लेआउट मतलब होता है कि जो भी हमारे ये शेप है सीन और गेम का, ठीक है, ओके, जो भी अभी लेआउट है जो बाय डिफॉल्ट वाला है, मैं अगर डिफॉल्ट पे क्लिक करूं तो ये वाला लेआउट है, ठीक है। इसका साइज आप देखें तो वही साइज है। अब वहीं अगर मैं 2x3 पे करूं तो ये लेआउट आ जाता है हमारे पास, ओके, ये हमारा सीन व्यू होगा, ये हमारा गेम व्यू होगा। अगर मैं इसमें चेंजेस चाहूं तो चेंजेस भी कर सकता हूं, ये 2x3 वाला है, ऐसे 4 स्प्लिट में मुझे कन्वर्ट करना हो तो मैं 4 में कर दूंगा कन्वर्ट। डिफॉल्ट और 2x3, मुझे 2x3 अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सब दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। और रही बात, अगर मैं इनको बाय डिफॉल्ट, कुछ होता है कभी कभार कि मेरे हर चीज अलग अलग हो जाती है, मैंने जैसे कि यहाँ पर गेम अलग कर दिया, इंस्पेक्टर अलग कर दिया, एसेट्स और ये सब अलग अलग कर दिए, ठीक है, प्रोजेक्ट पैनल, सॉरी, तो मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए। अब मैं क्या करूँ, अब मैं नहीं कर सकता कि यहाँ पर अपनी एक पोजिशन पर ले आ सकूँ, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली यहाँ जाना होगा और चूज करना होगा अपना लेआउट। मैंने 2x3 पे क्लिक किया तो मेरा पहले से पुराना वाला लेआउट आ गया। अगर मुझे चेंजेस करने हो तो मैं क्या करूं, मैं अपना खुद का भी लेआउट बना सकता हूं, जैसे कि मैं चाहता हूं मेरा सीन व्यू हो वो यहां पर हो, सीन व्यू हो, गेम व्यू यहां पर हो। अब मुझे क्या करना होगा, यहां पर जाना होगा सेव लेआउट में, सेव लेआउट, यहां मुझे नेम देना होगा, ऐसा 1 मैंने दे दिया ऐसे, और मुझे करना होगा सेव। तो अब ये ऐसा लेआउट बना जो अगर मैं 1 पे क्लिक करूंगा तो ये वाला लेआउट ओपन हो जाएगा, 2x3 पे तो 2x3 वाला, सी गाइस, और 1 वाले जो मैंने अभी बनाया था। तो ये कुछ बिगनिंग थी यूनिटी में, कुछ नॉलेज थी। अगले लेक्चर में हम थोड़ा और समझेंगे यूनिटी के बारे में और फिर अपनी कोडिंग और गेम बनाना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस ऑन यूनिटी एज वेल एज इन प्रोग्रामिंग।